विश्व में कई देशों के बीच जंग छिड़ी हुई है, लेकिन आमतौर पर युद्ध किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं माना जाता। क्योंकि युद्ध लड़ने में बहुत ज्यादा धन और संसाधन खर्च होता है, इसके अलावा जान माल का भी भारी नुकसान होता है। इन सब का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, लेकिन रूस युद्ध में शामिल होने के बाद भी मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश बनकर उभरा है। विश्व बैंक हर साल 1 जुलाई को विभिन्न देशों की आय क्लासिफिकेशन अपडेट करता है, जो बीते वर्ष की ग्रॉस नेशनल इनकम यानी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय पर आधारित होता है। तो विश्व बैंक की लेटेस्ट रैंकिंग में रशियन इकोनॉमी को टॉप इनकम कैटेगरी में रखा गया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि लगातार युद्ध के बावजूद रशिया की आय अधिक क्यों है? विश्व बैंक के अनुसार इसका जवाब है कि 2023 में सैन्य गतिविधियों में बड़ी वृद्धि से रूस की आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुई है। इसके अलावा व्यापार, फाइनेंशियल सेक्टर और कंस्ट्रक्शन में उछाल से भी विकास को बढ़ावा मिला। इससे रूस की रियल और नॉमिनल दोनों GDP में वृद्धि हुई और रूस की ग्रॉस नेशनल इनकम यानी GNI प्रति व्यक्ति 11.2% बढ़ी है। रूस ने यह उपलब्धि तब हासिल की है जब यूक्रेन से युद्ध के चलते अमेरिका ने उस पर कई तरह के व्यापारिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। यहां तक कहा जा रहा है कि जिस तरह से रूस के खिलाफ वित्तीय और आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए, ऐसे हालातों में चीन से लेकर दुनिया के किसी भी देश की अर्थव्यवस्था ऐसे हालातों का सामना नहीं कर सकती। लंदन स्थित यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट EBRD के अनुसार पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद इस साल भी रूस की अर्थव्यवस्था और बढ़ेगी। EBRD के मुताबिक 2024 में रूस की अर्थव्यवस्था 2.5% बढ़ने वाली है। रूस की इस मजबूती से अमेरिका सहित उन तमाम देशों और लोगों को गहरा झटका लगा होगा जिन्हें ये उम्मीद थी कि रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाने से उसे गहरा आर्थिक और वित्तीय आघात लगेगा। इधर अमेरिकी समर्थन वाले यूक्रेन की GDP रूस के साथ युद्ध शुरू होने के बाद 15% से अधिक गिर गई है। आपको बता दें कि विश्व बैंक दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को 4 इनकम ग्रुप में रखता है, जिनमें लो, लोअर मिडिल, अपर मिडिल और हाई ग्रुप है। भारत लोअर मिडिल ग्रुप में बना हुआ है। सिर्फ वेस्ट बैंक और गाजा ऐसे देश हैं जो लोअर मिडिल ग्रुप से भी नीचे चले गए हैं। रूस की मजबूत होती अर्थव्यवस्था स्वाभाविक तौर पर अमेरिका के लिए बड़ी चिंता की बात होगी। अब ऐसे में अमेरिका का अगला कदम क्या होता है, ये भी देखने वाली बात होगी।